हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ के इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र राज्य के करंट अफेयर हिंदी भाषा में कवर करूंगा। ये है भाग तीन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने भाग एक और भाग दो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले मत देखिए, पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू कवर करिए और उसके बाद पार्ट थ्री को कवर करिए। और अगर आपको पार्ट वन और टू का वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, और आप अगर सर्च करेंगे महाराष्ट्र करंट अफेयर्स YouTube के ऊपर तो सबसे ऊपर लिंक आएगा महाराष्ट्र करंट अफेयर पार्ट वन StudyIQ का, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने 2017 के जो बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे राज्यों के, वो भी मराठी में कवर किए हैं, उनको मराठी में कवर किया है हमारे फैकल्टी मयूर मोगरे ने, आप उनको भी देख सकते हैं, वो भी YouTube पे मोस्ट वॉच वीडियोज के अंदर है। ये है भाग तीन, और इसके बाद एक भाग और बचेगा भाग चार, जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं वो लेकर आऊंगा, लेकिन ये वाला भाग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने गवर्नमेंट स्कीम भी कवर की है। तो प्रस्तुत करता हूं महाराष्ट्र के करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर भाग तीन। StudyIQ के पेनड्राइव कोर्सेज बहुत सारे एग्जाम के लिए उपलब्ध हैं, हम महाराष्ट्र PSC के लिए भी बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करेंगे, और बहुत सारे वीडियोज हमने फ्री में डाले हुए हैं, लगभग 70 से 80 वीडियो ऑलरेडी हम फ्री में डाल चुके हैं मराठी में महाराष्ट्र PSC के लिए। SSC, बैंक PO, NDA, CDS, UPSC लॉ एग्जाम्स, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी आती है। आप कोई भी डिटेल चाहते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिए studyiq.com। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरे साथ लगभग 5000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर। आपके पास कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है कैरियर से रिलेटेड, लाइफ या एग्जाम से संबंधित, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी आईडी है tirelesssoul। और आप मुझसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है gaurav_888। तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं महाराष्ट्र के करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं मागेल त्याला शेताल फार्म पॉन्ड सब्सिडी स्कीम की। महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है मगेल त्याला शेताल फार्म पॉन्ड सब्सिडी स्कीम। इसमें इसको हम बोलते हैं फार्म पॉन्ड्स ऑन डिमांड स्कीम। इसका पर्पज ये है कि जो फार्मर है, जो किसान है, उसके पास अपना एक परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, यानी जिसमें वो डिपेंड कर सके, क्योंकि जो वाटर है इंडिया में रेन मानसून पर डिपेंड करती है, और बहुत सारे किसान हैं जो मानसून पर डिपेंड करते हैं, जैसे मराठवाड़ा एरिया है, यावतमल एरिया है इत्यादि, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है तो किसान बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर लेते हैं अगर बारिश नहीं आती तो। इसीलिए एक पॉन्ड होना चाहिए हर किसान के पास, अपना पर्सनल पॉन्ड जिस पे वो हमेशा डिपेंड कर सकता है। इसके लिए बजट के अंदर, जो महाराष्ट्र का बजट था उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 204 करोड़ रुपये अलॉट किए थे इस स्कीम के लिए, पॉन्ड सब्सिडी स्कीम के लिए, और ये बेनिफिट करेगा अराउंड जितने भी किसान हैं, करोड़ों किसान हैं जो उनको, और टोटल पॉन्ड बनाए जाएंगे 51,369। सो इसके लिए जो पैसा है वो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा, बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा सीधे अकाउंट के अंदर। इसमें जो फार्मर है वो 50,000 रुपये डायरेक्टली ले सकता है अपने बैंक अकाउंट में, अपने फार्म के ऊपर एक पॉन्ड बनाने के लिए, एक तालाब बनाने के लिए। तो अगर आप किसान हैं, महाराष्ट्र में हैं, अपने अगर आप फार्म हाउस पर कोई तालाब बनाना चाहते हैं तो 50,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा सरकार की तरफ से। इस स्कीम में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भी फार्म पॉन्ड है उसे जियो टैग भी किया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि असली में पॉन्ड बन रहा है या नहीं, तो उसका जो प्रोग्रेस क्या है, कितना बन रहा है। और बहुत सारे आवेदन पत्र ऑलरेडी सरकार को मिल गए हैं, 3 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए। आपको अगर अप्लाई करना है, पंजीकरण कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप ऑनलाइन करा सकते हैं, वेबसाइट है egs.mahaonline.gov.in। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फार्मर जो होना चाहिए उसके पास एटलीस्ट 0.60 हेक्टेयर फार्मलैंड होना चाहिए, 0.6 हेक्टेयर जमीन किसान के पास कम से कम होनी चाहिए, और कोई भी फार्मर, चाहे वो ग्रुप ऑफ फार्मर हो या इंडिविजुअल, वो दोनों स्कीम के लिए एलिजिबल है। महाराष्ट्र की सरकार कुछ हेल्थ केयर स्कीम भी लॉन्च कर रही है अभी पब्लिक हेल्थ के लिए, और दो महाराष्ट्र हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च कर रही है। एक का नाम है महात्मा फूले जन आरोग्य योजना MPGA, और दूसरे का नाम है बाला साहब ठाकरे एक्सीडेंट बेनिफिट स्कीम। ये महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च करी है हेल्थ केयर के लिए, पब्लिक हेल्थ को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। इसके अलावा जो ये वाली स्कीम है महात्मा फूले स्कीम, ये पुरानी एक स्कीम थी, उसका नाम पलट के कर दिया गया है महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना का नाम पलट के अब कर दिया गया है महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें बहुत सारे प्रोसीजर ऐड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो बाला साहेब ठाकरे एक्सीडेंट स्कीम है ये क्या है। इसमें जो सरकार है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास ऑरेंज रेशन कार्ड है, उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, और सरकार लगभग 2.43 करोड़ फैमिलीज को कवर करेगी इस स्कीम के अंदर। बाला साहेब ठाकरे जो स्कीम है ये बेनिफिट करेगी जो भी एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़क के ऊपर उनको, और इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में
30,000 रुपए बेनिफिशियरी को मिलेगा 48 to 72 hours फ्रॉम द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। सो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे इलाज के लिए मिलेगा 30,000 रुपए शुरू के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, जिससे वो अपना खर्चा उठा सके। और ये स्कीम है बाला साहेब ठाकरे एक्सीडेंट बेनिफिट स्कीम। इस स्कीम के अंदर सरकार जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी ये मोटिवेट कर रही है कि वो डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और फोकस उन पर रहेगा जो रिमोट एरिया में पेशेंट रहते हैं। इसके अलावा टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिससे जो पेशेंट रिमोट एरिया में रहते हैं वो उनको सर्विसेज मिल सकें, डॉक्टर्स उनसे कनेक्ट कर सकें। टेलीमेडिसिन होता है, एक टीवी लगा होता है बेसिकली, तो डॉक्टर तो होता है वो वहाँ पहुँच नहीं सकता रिमोट एरिया में, इसीलिए वो वहाँ जूनियर डॉक्टर या किसी को टेलीमेडिसिन टीवी के ऊपर पूरा प्रोसीजर समझा देता है, पेशेंट को वो टीवी के थ्रू देखता है, टेलीमेडिसिन इसको बोलते हैं। तो जिन एरियाज में हॉस्पिटल नहीं है उनको शहरों से टेलीमेडिसिन के थ्रू जोड़ा जाता है। एक और स्कीम की बात करते हैं, मनोधैर्य योजना कंपनसेशन, इसे बढ़ा के अब 3 लाख से कर दिया है 10 लाख। पहले जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने एक स्कीम चलाई हुई थी, वो विक्टिम जो रेप के विक्टिम है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज, बच्चों का जो यौन उत्पीड़न है, या जो बलात्कार के विक्टिम है या एसिड अटैक के विक्टिम है, उन्हें पहले सरकार की तरफ से मिलता था 3 लाख कंपनसेशन, अब मिलेगा 10 लाख। तो मनोधैर्य योजना के तहत जो अमाउंट है उसको 3 लाख से बढ़ा के कर दिया है 10 लाख। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2013 में, तब अमाउंट था 2 लाख, बाद में बढ़ा के इसे कर दिया 3 लाख, और अब लेटेस्ट 2018 में मिलेगा आपको 10 लाख। कंपनसेशन जो है वो 7 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया है, जो सबसे ज्यादा है, और इससे ना सिर्फ जो व्यक्ति जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसे, बल्कि परिवार वाले को भी जरूर फायदा होगा, उन्हें जरूर कुछ सहारा मिलेगा ऐसे समय में। तो एसिड अटैक जो है, अब इसमें कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ उन्हें मिलेगा, ये सिर्फ उन वुमेन और चिल्ड्रन को मिलेगा जिनको रेप की वजह से या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से कंप्लीट मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी होता है, सिर्फ उन्हें मिलेगा। हालांकि इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, 7 लाख का इंक्रीज करा है, 3 लाख से 10 लाख करा है, लेकिन सिर्फ उनको मिलेगा ये अमाउंट जो रेप या सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न या बलात्कार की वजह से जिनको किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक अपंगता हो जाती है। इसके अलावा अगर एसिड अटैक का कोई विक्टिम है तो उसे मैक्सिमम कंपनसेशन तभी मिलेगा जब उसका जो फेस है या कोई दूसरा बॉडी पार्ट है वहाँ पर डैमेज विजिबल होगा। तो इसीलिए स्कीम में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन रखे गए हैं जो जिनकी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही पूरा अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा जो मॉनिटरी एड है रेप और चाइल्ड एब्यूज सर्वाइवर को, वो स्टेट गवर्नमेंट ने कैप कर दी है ₹1 लाख। और कुछ केसेस में सरकार जो रेप के विक्टिम हैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी देगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकें। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन बोर्ड बनेगा, जिसका चेयरमैन होगा DC यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो इस स्कीम को सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। आपको ये याद होना चाहिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2013 में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं रेप, एसिड अटैक और सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन, वो महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए थे 13,827। तो महाराष्ट्र सरकार की ये कोशिश है कि जो भी विक्टिम है उन्हें किसी न किसी तरह की आर्थिक और मानसिक सहायता दी जाए। एक और स्कीम है जिसका नाम है शिव रोजगार योजना, ये शिवसेना के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने लॉन्च करी है। ये एक यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है शिव रोजगार योजना। ये प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार देगा, और जो भी वैकेंसी निकली है इंडस्ट्रीज में उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी कुशल और अकुशल दोनों तरह के लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं शिव रोजगार योजना में। ये भारत का पहला और एकमात्र वीडियो रिज्यूम जॉब पोर्टल है शिव रोजगार योजना के ऊपर। इसका नाम है वाइसुम, यानी नॉर्मली आप अपना रेज्यूम देते हो तो रेज्यूम जो होता है वो आप .dov या .pdf फाइल देते हो जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है। इसमें अब आप अपना वीडियो रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हो, और वीडियो रिज्यूम से क्या होगा, आप वीडियो में अपना फेस दिखा के अपने बारे में पूरा बता सकते हो और वो आपके रिज्यूम का काम करेगा। इसको एक नाम दिया गया है जो है वाइसुम। और एक बात और याद रखिए, महाराष्ट्र में जो सरकार है इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कोलिशन यानी गठबंधन सरकार है, और उद्धव ठाकरे जो है ये इस कोलिशन का हिस्सा है। इस स्कीम का मेन पर्पज़ ये है कि जो यूथ है आज का, जो जॉबलेस है, उसे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मिल सके, और जिससे कोई भी यूथ ऐसा ना हो जो अनएम्प्लॉयड रहे। ये आने वाले जो साल हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट को 100% तक ले जाना चाहती है। इसके अलावा महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 ये लागू हो गई 7 सितंबर 2017 को। इसने जो पुरानी
एक्ट है महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1948 उसको रिप्लेस किया है। तो आपको याद रखना है पुराने कौन से एक्ट को रिप्लेस करा है, महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1948 इसको रिप्लेस करके अब नई वाली बनी है 2017। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है देखिए, पहली बात तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है, इट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसमें जिसने न्यू शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लॉ को इंप्लीमेंट किया है यानी कि लागू किया है। ये जो कानून है ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर संशोधन लाता है, उनको रेगुलेट करता है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को सपोर्ट करता है, उनमें अमेंडमेंट करता है। ये किस किस पर एप्लीकेबल होगा, ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल होगा महाराष्ट्र राज्य में जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर नहीं आती, यानी जो 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज या वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो वो वाली सारी कमर्शियल फैक्ट्री या कमर्शियल जो कंपनीज हैं जिनमें 10 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं उन सब पे ये अप्लाई होगी महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 2017। जनरली जो वो कंपनियां जिनमें 10 से ज़्यादा वर्कर होते हैं उनको ये अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है कि वो अपने आप को महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर करें। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो सकती है और सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली मैनेज किए जाते हैं। और जो कमर्शियल कोई एंटिटी है वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी पीरियड है उसको डिटरमाइन कर सकती है, 10 साल से ज़्यादा वो नहीं हो सकता, यानी जो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं वो 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जो चेंजेस हैं वो क्या किए गए हैं, जो पुरानी एक्ट थी 1948 की अब उसमें इतने साल बाद 2017 में जो चेंजेस हैं वो क्या किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग आवर की, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिजनेस आवर्स को स्टिपुलेट करेगा, स्टिपुलेट का मतलब है फिक्स करेगा कि आप उससे ज़्यादा काम किसी से नहीं करवा सकते और किस तरह का काम है उसके हिसाब से उसे वो फिक्स करेगा। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें 24/7 वर्क करने की इजाज़त मिल सकती है, डिपेंड करता है लेकिन वो काम किस तरह का है, लेकिन किसी भी सूरत में जो वर्किंग आवर है एम्प्लॉयज़ के लिए एक दिन में 9 आवर से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी वो कंपनियाँ जिनमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं उनमें जो ड्यूरेशन है काम करने की एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं हो सकते और एक वीक में 48 आवर से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते किसी से भी ज़्यादा, ये आपको याद रखना है। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई एग्जिजेंसी है, कोई अर्जेंसी है तो फिर आप 12 घंटे तक एक दिन में काम ले सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा इमरजेंसी में भी नहीं ले सकते। दूसरी बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए इस बिल में क्या किया गया है, इस एक्ट में क्या किया गया है। इस एक्ट में महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस में। याद रखिए जो पहले महिलाएं थी वो 7 बजे और 9:30 बजे रात के इन्हीं के बीच में काम कर सकती थी। मैं रिपीट करता हूँ, पहले का जो बिल था उसके हिसाब से महिलाएं 7 बजे सुबह से लेके रात के 9:30 के बीच में ही काम कर सकती थी, यानी वो रात को काम नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बिल के हिसाब से जो महिलाएं हैं वो कहीं पर भी काम कर सकती हैं, किसी भी समय काम कर सकती हैं। कंडीशन ये रहेगी कि जो कंपनी है उसे उनका ट्रैवल अरेंज करना होगा और उन्हें ये मेक श्योर करना होगा कि महिलाएं सेफ रहें, यानी अगर वो महिलाओं की सेफ्टी की गारंटी लेते हैं कि महिलाओं को ट्रांसपोर्ट भी देंगे और कम्यूट भी देंगे, वापस घर भी छुड़वाएंगे और वर्क प्लेस पर भी उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट या मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट या वर्क प्लेस हैरेसमेंट नहीं होगा तो फिर वो महिलाओं को एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉलीडेज़ की और लीव की, कितनी हॉलीडे मिलेंगी। तो इस एक्ट में जो वर्कर हैं उन्हें 8 कैजुअल लीव मिलेंगी, 8 कैजुअल लीव मिलेंगी और एक साल में 45 पेड लीव्स मिलेंगी। मैं रिपीट करता हूँ, 8 कैजुअल लीव्स और 45 डेज पेड लीव एक साल के अंदर मिलेंगी। और इसमें जो 8 दिन हैं वो पेड फेस्टिवल हॉलीडे होंगे, 4 नेशनल हॉलीडे होंगे और जो बाकी 4 फेस्टिवल हॉलीडे हैं वो म्यूचुअली एग्रीड हो सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें 8 फेस्टिवल हॉलीडे होंगी, 4 जिनमें से नेशनल हॉलीडे होंगी जैसे 26 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर इत्यादि, और जो बाकी 4 बची हैं वो जो बॉस है और जो मतलब जो कंपनी है और जो एम्प्लॉई आपस में मिलकर एग्री कर सकते हैं, तो टोटल उन्हें 8 डेज पेड फेस्टिवल हॉलीडे भी मिलेंगी और टोटल 45 डेज ऑफ पेड लीव मिलेंगी। अब बात करते हैं वर्कर के वेलफेयर की, इस बिल में उसके लिए क्या है। इसमें जो ये जो कानून है नया, इसके हिसाब से जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कंपनी है जो आपको नौकरी दे रही है, उसके लिए ये अनिवार्य होगा कि वो आपको आपकी हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए, वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी के लिए सारे अरेंजमेंट्स करें, जैसे वर्क प्लेस क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक, वेंटिलेशन होना चाहिए वहाँ पे, लाइटिंग होनी चाहिए अच्छी, ये सब भी सेफ्टी और वर्कर्स की डेफिनेशन में अब इंक्लूड किया गया है। और कौन कौन से सेफ्टी मेजर हैं, जैसे फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए प्लेस ऑफ वर्क पे, अगर किसी वर्कर को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड उसे वहीं की वहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे होना चाहिए,
जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी वॉशरूम फैसिलिटीज होनी चाहिए मैन और वुमेन के लिए। वो कंपनी जहां पे 50 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं उन्हें क्रच फैसिलिटी बच्चों के लिए भी देनी है, यानी जो वर्कर है उनके बच्चे भी वर्क प्लेस में उनके लिए झूला वगैरह जो भी क्रच फैसिलिटी है वो उन्हें प्रोवाइड करनी है। और जिस फैक्ट्री में 100 या उससे ज्यादा वर्कर है उन्हें एक कैंटीन भी वर्कर के लिए देनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून की एक लाई है सरकार, जिससे जो नए जो आज के जो वर्कर हैं उनकी आशाओं को भी पूरा किया जा सके। और इसमें कंप्लायंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी का भी प्रोविजन रखा गया है महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। इसमें जो फैसिलिटेटर हैं वो अपॉइंट करने होंगे इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे, सारी कंपनीज को विजिट करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि सारी जो कंपनी है वो ये कानूनों का पालन कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कानूनों का पालन नहीं करते, कोई भी कंपनी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो इन कानूनों का पालन नहीं करती या रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ती है तो उन्हें शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत फाइन लगेगा 1,00,000 रुपये का। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि बाय नॉट रेगुलेटिंग द वर्कर कंडीशन इन फर्म एंगेजिंग लेस देन 10 वर्कर द एक्ट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट कंप्लायंस रिलीफ फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म। देखिए ये जो इतने सारे कानून आपको बताए हैं, आप जानते हैं कि जो नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है खासकर जो माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आता है, जैसे हम प्रायोरिटी सेक्टर भी बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है ये, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में इतने सारे कानूनों का पालन करना संभव नहीं है कई बार, इसीलिए इसको किया गया है कि 10 या उससे ज्यादा। तो जनरली जो माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज होता है उसमें 10 से कम वर्कर होते हैं, तो एमएसएमईज को काफी लाभ होगा क्योंकि उन्हें फिर थोड़ा रिलीफ होगा इसकी वजह से। दूसरा, जो बिजनेस एसोसिएशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी भी बात सुनी, जो बड़ी कंपनियां हैं और जो डिफरेंट वर्किंग आवर रखे हैं डिफरेंट टाइप की कंपनीज के लिए, जैसे जो मॉल है, रेस्टोरेंट है, मूवी थिएटर है या दूसरे रिक्रिएशनल सेंटर हैं, उनमें अलग अलग ज़रूरतें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मॉल है वहाँ पे सिनेमा हॉल वगैरह हैं तो रात को खुले रहते हैं, रेस्टोरेंट्स भी रात को खुले रहते हैं, कई मूवी थिएटर हैं तो उनमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, उसका भी ध्यान इसके अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बजट की। 2017-18 महाराष्ट्र का जो बजट है, महाराष्ट्र के जो वित्त मंत्री हैं सुधीर मुंगतीवार, उन्होंने प्रेजेंट किया बजट महाराष्ट्र का फाइनेंशियल ईयर 2017-18। ये इन्होंने 18 मार्च 2017 को किया था। महाराष्ट्र का, आप जानते हैं, भारत का एक तिहाई जीडीपी, 1/3 GDP महाराष्ट्र से आता है। सो महाराष्ट्र भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई और सारे जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सब महाराष्ट्र में मुंबई से ऑपरेट होते हैं। महाराष्ट्र का जो जीडीपी है 2017-18 के लिए करंट प्राइसेस पे वो एस्टिमेट किया गया है 25,35,213 करोड़। ये पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से 11.8% ज़्यादा है और जो खर्चा होगा वो है लगभग 2,83,753 करोड़। इसमें पिछले साल से लगभग 4.5% का इंक्रीज है, ये भी आपको याद रखना है। टोटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें, जिनमें बोरोइंग अगर हम एक्सक्लूड कर दें, उधार एक्सक्लूड कर दें, तो इस साल के लिए एस्टिमेट की गई है 2,44,964 करोड़, जो पिछले साल से 10.8% ज़्यादा है। और रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये टारगेट किया गया है 4,511 करोड़, ये 0.1% ऑफ द स्टेट जीडीपी है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट टारगेट 38,789 करोड़, जो 1.53% ऑफ द स्टेट जीडीपी है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, एफआरबीएम के हिसाब से, यानी फिस्कल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से, जो किसी भी राज्य का जो फिस्कल डेफिसिट है वो उस राज्य के स्टेट जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो महाराष्ट्र का 1.53 है, जो काफ़ी अच्छा है, यानी 3% से कम है, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 14th Finance Commission और FRBM के हिसाब से। 14th Finance Commission वो है जो अभी चल रहा है, ये चलेगा 1 अप्रैल 2020 तक, और उसके बाद आएगा 15th Finance Commission। 14th Finance Commission के जो चेयरमैन है वो है YV रेड्डी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे। और जो 15th Finance Commission 1 अप्रैल 2020 से काम करना स्टार्ट करेगा, उसके चेयरमैन बनाया गया है NK सिंह के, जिन्होंने FRBM एक्ट में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। सो इस बार जो एलोकेशन, बजट एलोकेशन इंक्रीज हुआ है वो पब्लिक वर्क्स में हुआ है, PWD, स्कूल एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर, इसमें इंक्रीज हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर, एनर्जी और होम, इसमें जो बजट है थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, बजट से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो वित्त मंत्री हैं सुधीर मुंगतीवार, उन्होंने ये कहा कि जो करंट ग्रोथ है राज्य में वो है 9.4%, और उनका टारगेट ये है कि वो डबल डिजिट में होनी चाहिए, यानी 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 79 करोड़ रुपीज़ के प्रोविजन भी अनाउंस किए हैं। वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन, उसके लिए किए हैं 2800 करोड़। हमारे एग्रीकल्चर जो मंत्री हैं वो हैं राधा मोहन सिंह, ये बिहार में ईस्ट चंपारण से लोकसभा MP हैं। और जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं वो नागपुर से MP हैं, उनका नाम है नितिन गडकरी, ये रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, रोड ट्रांसपोर्ट के और शिपिंग के मंत्री भी हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि जो मराठवाड़ा कृष्णा वैली प्रोजेक्ट है वो अगले 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 4 ईयर्स इट विल बी कंप्लीटेड, नाम है मराठवाड़ा कृष्णा वैली प्रोजेक्ट। इसके अलावा यूथ के डेवलपमेंट के लिए, यूथ के विकास के लिए वित्त मंत्री ने अनाउंस किया कि प्रमोद महाजन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी बिजनेस करने की स्किल राज्य में सिखाई जाएंगी जो युवा हैं, जो यूथ हैं उन्हें। इसका नाम है प्रमोद महाजन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रमोद महाजन जो थे ये बीजेपी के पूर्व नेता थे। इसके अलावा गवर्नमेंट क्रैब कल्टीवेशन सेंटर बनाएगी। क्रैब होता है केकड़ा, केकड़ा यानी जो सी फूड होता है, ये एक तरह का व्यंजन होता है, तो क्रैब कल्टीवेशन सेंटर बनाएगी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, जिससे क्रैब कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। सो क्रैब कल्टीवेशन सेंटर बनेगा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अलावा जो सरकार है वो 125.64 करोड़ डॉक्टर पंजाब राव देशमुख इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम पे खर्च करेगी, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, और 50 करोड़ रुपये संत शिरोमणि सावत माली वीकली मार्केट स्कीम पे खर्च करेगी, जिसे जो फार्मर की इनकम है वो डबल की जा सके। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 124.64 करोड़, ऑलमोस्ट 125 करोड़ रुपीज खर्च करेगी पंजाब राव देशमुख इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम पे, और 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी संत शिरोमणि सावत माली वीकली मार्केट स्कीम पे फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका टारगेट ये है कि जो इनकम डबल करनी है वो 2022 तक करनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था अपनी बलिया रैली उत्तर प्रदेश के अंदर कि फार्मर की इनकम डबल करने का टारगेट है 2022। इसके अलावा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट, इस पे खर्च होगा 4000 करोड़ रुपीज़, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट, और इसको जो हेल्प कर रहा है हमारी वो करेगा वर्ल्ड बैंक। इसमें जो फार्मर हैं उन्हें ड्रॉट यानी अकाल से बचाया जाएगा, कुपोषण से बचाया जाएगा, खाने की कमी से जो ड्रॉट आ जाती है बारिश की कमी से, और अगर मिट्टी में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से खेती संभव ना हो, उसकी प्रॉब्लम से भी उसे बचाया जाएगा, यानी मिट्टी में सैलिनिटी इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, जो अमेरिका की कैपिटल है, और इसके प्रेजिडेंट हैं जिम योंग किम। एक और स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है फार्मर्स के लिए सरकार, उन फार्मर्स के लिए जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ये स्कीम 92 करोड़ रुपीस की है और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना के तर्ज पे चल रही है, ऑन द लाइन्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे, और समाज में जो पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति उन लोगों के विकास के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा 99 करोड़ रुपीस खर्च होगा प्रमोद महाजन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन के ऊपर। इसमें 1970 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्ट हैं और 57% पार्टिसिपेशन इसके अंदर महिलाओं का है। राज्य में मोबाइल क्लिनिक भी एस्टेब्लिश होंगे एनिमल्स हेल्थ के लिए। सो उन एरियाज में जो रिमोट एरिया हैं, रूरल एरिया हैं जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, 349 वेटरनरी मोबाइल क्लिनिक जानवरों के हेल्थ के लिए भी अलॉट होंगे, एस्टेब्लिश होंगे। इसके अलावा द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस द डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट शीप ऑन 75% ग्रांट टू द शेपर्ड ग्रुप फॉर एनकरेजिंग शीप कीपिंग। जो भेड़ होती है जिससे हमें वूल मिलता है, ऊन मिलता है, तो उसके भेड़ पालन के विकास के लिए 75% अनुदान मिलेगा, 75% अनुदान मिलेगा उन किसानों को जो भेड़ को पालना चाहते हैं, यानी 75% जो पैसा है वो उन्हें कम देना पड़ेगा। इसके अलावा 1732 लाख ये रुपीज़ है, 1732 लाख ये पैसा अलॉट हुआ है मराठी लैंग्वेज के विकास के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए सरकार खर्च करेगी 200 करोड़ रुपये। सो मराठी लैंग्वेज के विकास के लिए खर्च होगा 1732 लाख रुपये और 200 करोड़ रुपए खर्च होगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के विकास के लिए। इसके अलावा चंद्रपुर में एक मिलिट्री स्कूल बनेगा, ये भी अनाउंस करा है फाइनेंस मिनिस्टर ने, चंद्रपुर इज द लोकेशन। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको बोलते हैं RUSA, इसके ऊपर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें जो हायर एजुकेशन है उसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा सरकार के द्वारा। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, उसको बूस्ट करने के लिए सरकार खर्चा करेगी 3500 करोड़ रुपए। इसमें 195 वर्क्स हैं जो हाइब्रिड एनुइटी यानी प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किए जाएंगे, तो औद्योगिक विकासकरण पे खर्च किया जाएगा 3500 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी बिजली के ऊपर, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा एरिया में। मराठवाड़ा और विदर्भ जो एरिया है बहुत गरीब एरिया है महाराष्ट्र के, इनमें किसान जो है उनकी आत्महत्या भी बहुत ज़्यादा है। सो इस एरिया में किसान इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएं, नई इंडस्ट्री लगाएं, नए उद्योग लगाएं, उस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सब्सिडी देने के ऊपर, और 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिससे जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं उनमें उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, यानी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लैंड
ये औरंगाबाद में बन रहा है, महाराष्ट्र में इस पे खर्च होगा 570 करोड़। तो औरंगाबाद में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहा है जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर लगाई जाएंगी, इसका नाम है इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसका नाम होगा महा इंफ्रा। इसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल भी बनाया गया है जिसका नाम है महा इंफ्रा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो राज्य है उसे मार्च 2018 तक ओपन डिफिकेशन फ्री किया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि जो मुंबई है वो ऑलरेडी ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र अभी ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त नहीं हुआ है। भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं जो खुले में शौच मुक्त हुए हैं। सबसे पहला हुआ था सिक्किम, इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम ओपन डिफिकेशन फ्री, इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट टू बिकम ऑर्गेनिक। सिक्किम के बाद हुआ था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद केरला, केरला के बाद उत्तराखंड, फिर हरियाणा एंड रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश। 7 दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश भारत का 6th स्टेट बना है जो ओपन डिफिकेशन फ्री हुआ है। महाराष्ट्र सरकार का टारगेट है कि मार्च 2018 तक दे वांट टू बिकम ओपन डिफिकेशन फ्री। राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना, उसका नाम पलट के कर दिया जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। इसमें जो पैसा खर्च होगा वो होगा 1316 करोड़, बजट के अंदर एलोकेशन किया गया इतना। 55,000 घर ये बनेंगे एससी एसटी कम्युनिटी के लिए रामई आवास योजना के तहत, और 500 करोड़ रुपए जो है वो प्रपोज किए गए हैं 55,000 घर बनाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट स्कीम और चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें 6 करोड़ घर बनाए जाएंगे 4 करोड़ रूरल एरिया में, 2 करोड़ अर्बन एरिया में 2022 तक पूरे भारत के अंदर, याद रखिए। और महाराष्ट्र में 55,000 घर बनाए जाएंगे इस साल में एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रामई आवास योजना के तहत। इसमें खर्चा होगा 500 करोड़ रुपए। 3 एडिशनल बेंच सेटअप किए जाएंगे महाराष्ट्र सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल में जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये 122वां अमेंडमेंट बिल है और 101st अमेंडमेंट एक्ट है। सो बिल जब होता है, जब बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है और फिर राष्ट्रपति के साइन उस पे हो जाते हैं तो वो बन जाता है एक्ट, ये याद रखिए। सो 122nd अमेंडमेंट बिल था, 122nd अमेंडमेंट बिल और 101st अमेंडमेंट एक्ट था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करेगा हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसके चेयरमैन है वनाजा सरना। वनाजा सरना इज द चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसके अलावा महाराष्ट्र में एडिशनल पावर कुछ प्रपोज की गई है एपेलेट अथॉरिटी को महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स के तहत, जिससे वो अपना कंप्लायंस, ईज ऑफ कंप्लायंस और सिंपलर वे टैक्स कलेक्शन के लिए उनको इशू कर सके, उनको ईजाद कर सके, जिससे जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी आसानी हो। इसके अलावा जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन पे 13.5% वैट लगता है वो अब एबॉलिश कर दिया गया है, वो खत्म कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। भारत का जो ये प्रोग्राम है ये लॉन्च करा है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। ये इट इज़ द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन द कंट्री टू टैप मनी थ्रू म्युनिसिपल बॉन्ड इन 14 ईयर्स। ये प्रोजेक्ट लगभग 2264 करोड़ रुपए रेज करना चाहता है 5 साल के अंदर। और ये जो बॉन्ड है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, ये हैं A+ रेटेड और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। दिस इज द फर्स्ट एवर मोबिलाइजेशन ऑफ डेट कैपिटल बाय अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड प्लेटफॉर्म, याद रखिए। एंड दिस विल ऑल्सो बी द फर्स्ट इशुएंस अंडर द पब्लिकेशन ऑफ इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज बाय म्युनिसिपैलिटीज रेगुलेशन 2015 बाय सेबी, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड चेयर्ड बाय अजय त्यागी, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी। इट इज अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, इट इज द शेयर मार्केट रेगुलेटर। और ये जो बॉन्ड है ये 10 साल के लिए बॉन्ड होंगे, सो दिस बॉन्ड विल बी फॉर 10 ईयर। नाउ व्हाट आर बॉन्ड? सो बॉन्ड आर बेसिकली द डेट इंस्ट्रूमेंट, यू टेक द डेट, यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड एंड यू गेट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एवरी 6 मंथली और ईयरली, दैट इज डिसाइडेड बाय द ओनर। नाउ जो ये पैसा रेज करेगी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको खर्च कहाँ पे करेगी? उसको खर्च करेगी ये 24/7 सप्लाई ऑफ वाटर, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ पुणे। और इसमें हेल्प करेगा इसका US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी टू क्रिएट अ डेट पॉलिसी, यानी कि जो डेट पॉलिसी है बॉन्ड की उसमें US डिपार्टमेंट विल हेल्प पुणे। एक बात मैं और बता देता हूँ, पुणे विल बी मेड अ स्मार्ट सिटी बाय चाइना। सो देर इज अ सिटी इन चाइना कॉल्ड जेनुआ सिटी एंड पुणे एंड जेनुआ विल बी मेड सिस्टर सिटीज। नाउ यू शुड रिमेंबर देयर फॉर दैट ऑल द देर आर लॉट ऑफ सिटीज इन इंडिया विच आर बींग मेड स्मार्ट सिटी। फॉर एग्जाम्पल कोची, कोयम्बटूर एंड भुवनेश्वर, दे आर बींग मेड स्मार्ट सिटीज बाय जर्मनी। कोची इन केरला, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड भुवनेश्वर कैपिटल ऑफ उड़ीसा, दे आर बींग मेड स्मार्ट सिटीज बाय जर्मनी। सिमिलरली चंडीगढ़, नागपुर एंड पुडुचेरी और पांडेचेरी, चंडीगढ़, नागपुर इन महाराष्ट्र एंड पांडेचेरी, दे आर बींग मेड स्मार्ट सिटीज बाय फ्रांस। एंड अमरावती विच इज बींग डेवलप्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज बींग मेड स्मार्ट सिटी बाय सिंगापुर। Now remember that Pune Municipal Corporation is giving out these bonds and there is no guarantee from the state government, and that is why for the safety of investment an escrow account has been created
so that this is for the mental peace and comfort of the investor, that the fund will be deposited in this escrow account. Now, what are municipality bonds? So they can be issued by city corporations to fund developmental project. Now, why Pune is issuing municipality bond? Because they want to have the water supply in Pune, and for that they need money, and for that they will issue municipality bond. Now, municipal bond have been in existence in India from the year 1997, and they have been permitted for public offering by SEBI. So usually they are for the developmental projects in any region, and this is not the first time in India, but this is for the first time in last 15 years. So Ahmedabad, Bangalore, Nasik and Madurai. Nasik again is in Maharashtra. It is on the bank of river Godavari, and at Nasik is one of the four places in India where Kumbh Mela is also celebrated. So Nasik mein Kumbh Mela lagta hai Godavari nadi ke kinare, aur teen jagah aur hai jahan Kumbh Mela lagta hai Bharat mein, Allahabad, Haridwar aur ek aur hai jo Ujjain hai Shipra nadi ke kinare, wahan pe bhi lagta hai. Mumbai mein jo famous Taj Palace hotel hai, जहाँ पे आपको याद होगा कि 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने कराया था यहाँ पे ताज होटल में, अब इसको ट्रेडमार्क मिल गया है. ये 114 साल पुराना है और ये भारत का पहला बिल्डिंग है. इट इज़ द फर्स्ट इंडियन बिल्डिंग जिसे ये ट्रेडमार्क मिला है. सो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? अब आप इसका लोगो, ब्रांड नेम, ये सब आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते, वरना आपके ऊपर एक कॉपीराइट का केस हो सकता है. सो ताजमहल पैलेस हैज़ बिकम द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया टू गेट द कॉपीराइट टैग. और इसीलिए ये भी जो फोटो है ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, जिससे मेरे ऊपर कोई केस ना हो जाए. कोई मैंने एक कॉमन रिसोर्स जिसे बोलते हैं उससे लिया है, जिसे बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन्स एग्रीमेंट, उसके तहत लिया है. तो मैं फुल क्रेडिट देना चाहता हूँ ताजमहल की वेबसाइट को, ताजमहल होटल की वेबसाइट को और विकिपीडिया को इस इमेज के लिए. सो नोबडी कैन नाउ यूज़ द इमेज ऑफ ताजमहल पैलेस फॉर कमर्शियल यूज़. सो सेलिंग एनी इमेज इज़ नाउ इलीगल. इसके अलावा अगर आपको कमर्शियल यूज़ करना है किसी फोटो का ताजमहल होटल के, तो आपको एक लाइसेंसिंग फ़ी देनी पड़ेगी. और ताजमहल होटल जो है 1903 में बिल्ट हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया से भी पहले बिल्ट हुआ था. ये इंडियन नेवी के लिए एक ट्रायंगुलेशन पॉइंट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है. और आपको याद होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ताजमहल होटल, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ था, और 2008 में मुंबई टेरर अटैक में भी ये जो बिल्डिंग है वो टूट गया था. और ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी थी शपूरजी पलोनजी एंड कंपनी. तो काफ़ी यूनिक प्लेस है ये, और इससे मिल गया है ट्रेडमार्क. मदर डेरी ये कंपनी है, इसने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है. ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे दोनों मिलके. ये एक लीज एग्रीमेंट है, इसमें जो महाराष्ट्र की सरकार है वो मदर डेयरी के प्लांट यूज़ करेगी फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग के लिए. भारत में जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं वो है हरसिमरत कौर बादल, और ये भटिंडा पंजाब से लोकसभा एमपी हैं. ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा. ये एमओयू जो साइन हुआ है इसके हिसाब से एक डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव लगेगा विदर्भ में और मराठवाड़ा में, जिससे जो मुंबई और नागपुर की जो मार्केट है उनको वहाँ के दूध उत्पादक जो किसान हैं, जो डेयरी फार्मर हैं, वो एक्सेस कर पाएंगे. इसके लिए डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएंगे विदर्भा में और महाराष्ट्र में. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग द नागपुर डेयरी ऑन लीज एंड लैंड फॉर सेटिंग अप अ न्यू डेयरी एट गोव भिवंडी इन महाराष्ट्र विल प्रोवाइड असिस्टेंस इंक्लूडिंग फंड फॉर अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी थ्रू एनिमल ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. सो नागपुर की जो डेयरी है उसे सरकार किराए पर लेगी, नागपुर की जो डेयरी है. और दूसरी बात, जो नई डेयरी बन रही है भिवंडी महाराष्ट्र में बन रही है, गोव भिवंडी महाराष्ट्र में, उसके अलावा सरकार पशुधन को पालने के लिए फंड्स देगी और आपसी सहयोग करेगी. मदर डेयरी जो है महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो दूध है वो खरीदती है अमरावती में, वर्धा में, नागपुर में, चंद्रपुर, नांदेड़, उस्मानाबाद, बुल्दाना और यावतमल. इसके अलावा लगभग 11,437 मिल्क पोरर हैं, 573 ऑपरेशनल मिल्क पुलिंग पॉइंट में, जहाँ पे वो दूध लेके आते हैं 924 विलेजेस से, और लगभग 70,580 लीटर दूध मदर डेयरी हर रोज इकट्ठा करती है. और जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उन्हें टोटल अभी तक अगस्त 2017 तक 37 करोड़ रुपए दिया जा चुका है, नवंबर 2016 से अगस्त 2017 तक. और जो नागपुर डेयरी प्लांट है ये, इसको रिफर्बिश किया गया है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है, इसे रेनोवेट किया गया है, इसका नवीनीकरण और आधुनिकरण किया गया है. और जो लिक्विड मिल्क पैक होता है यहाँ पे वो नागपुर सिटी में मार्केट किया जाता है. ये देखिए, इसको बोलते हैं हम शैक. ये आपने गोवा में देखे होंगे बीच के किनारे ये जो घर होते हैं, बीच हाउस, इन्हें बोलते हैं शैक. सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज प्लानिंग शैक्स लाइक गोवा हैज. तो महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर का जो कोस्ट है
उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र की जो सरकार है वो एक बीच शैक पॉलिसी ला रही है, जिससे 720 किलोमीटर कोस्टलाइन जो महाराष्ट्र की है, जो तट रेखा है, उसके ऊपर शैक बनाए जाएंगे। यहाँ पे जो पर्यटक है, जो सैलानी है, वो सी फूड, समुद्री जो खाना है और शराब का आनंद ले सकते हैं महाराष्ट्र के खूबसूरत बीचेस पर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहाँ पे हुक्का अलाउड नहीं होगा, हुक्का जो है वो बैन होगा। इसके अलावा यहाँ पे पुलिस जो है वो काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, फ्लाइंग स्क्वाड होंगे, जिससे यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो सेफ महसूस करें। सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, सर्वेलेंस सिस्टम होगा और जो इल्लीगल शैक हैं वो तोड़े जाएंगे। इसके अलावा जो फॉरनर अगर कोई है, कोई विदेशी व्यक्ति है, वो इन शैक्स में काम नहीं कर सकता। अगर उसके पास वर्क वीज़ा है तो भी वो इन फॉरन शैक्स में काम, फॉरनर कोई इन महाराष्ट्र के बीच पे जो शैक्स बनेंगे इनमें काम नहीं कर सकता, ये भी आपको याद रखना है। ये शैक्स 9 मंथ चालू रहेंगे, साल में 12 महीने में से 3 महीने बंद रहेंगे। सेप्टेम्बर टू मई ये शैक्स ओपन रहेंगे और मानसून में ये 3 मंथ्स के लिए क्लोज रहेंगे। इन बीच को ये जो शैक बनेंगे बीच पे, इनको अनाउंस किया है देवेंद्र फडणवीस ने अपनी नई बीच पॉलिसी में। सो बीच शैक, जैसा मैंने बताया, ये एक टेम्परेरी होटल होता है, टेम्परेरी शेड लाइक टेंट होता है, जहाँ पे आप खाने, भोजन, लिक्वर, शराब का मजा ले सकते हैं। इनमें बेसिक एमिनिटी होती है, फैकल्टी होती है, जैसे टॉयलेट होता है, फर्नीचर, फायर कवर और फर्स्ट एड बॉक्स भी यहाँ पे होता है। सो बीच शैक पॉलिसी क्या है महाराष्ट्र की, इसमें बीच शैक्स कैन बी इरेक्टेड विद इको फ्रेंडली मटेरियल। ये जो बीच शैक बनेंगे ये इको फ्रेंडली मटेरियल से बनेंगे, प्लास्टिक वगैरह से नहीं बनेंगे। ये बैम्बू, वुडन पोल या थैचेड पाम लीव या बैम्बू मैट रूफिंग से बनेंगे। इसके अलावा अगर लकड़ी की कमी है तो मॉडर्न मटेरियल यूज़ किया जा सकते हैं, जैसे सिंथेटिक स्टील, नाइलॉन फैब्रिक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कंक्रीट मटेरियल से नहीं बन सकते, जैसे ईंट वगैरह से नहीं बन सकते, चूना पत्थर वगैरह से नहीं बन सकते, स्टोन से नहीं बन सकते, तो ये आपको याद रखना है। और फायर कवर होना चाहिए यहाँ, अगर कोई आग लग जाए, अग्निशमन दमकल विभाग की सप्लाई होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स भी यहाँ पे होना चाहिए। महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने जो सरेंडर पॉलिसी है नक्सल्स के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया है अगस्त 2019 तक एक्सटेंड कर दिया है सरेंडर पॉलिसी फॉर नक्सल। नाउ ये जो पॉलिसी है ये है आत्मसमर्पण स्कीम, और आत्मसमर्पण मतलब होता है सरेंडर। नक्सल जो है लेफ्टिस्ट इंसर्जेंसी के दोषी हैं, इनको लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनसे, विकास कार्यों से ये अलूफ हैं और ये इनका कोई विकास नहीं हो रहा है, तो इन्होंने हथियार उठा रखे हैं स्टेट के खिलाफ, तो ये स्टेट के एनिमी इनको माना जाता है। सो नक्सल सरेंडर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2005 में। इसमें जो नक्सलवादी हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें रोजगार देना जिससे वो अपने हथियार त्याग दें, ये था इसका मेन एम। इस स्कीम को रीलॉन्च किया गया था अप्रैल 2013 में और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2019 में। आपको याद रखना है कि बहुत सारे नक्सल ऐसे हैं जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, खासकर गढ़चिरौली और गोंडिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के वहां पे। इसके अलावा अगस्त 2017 में 17 नक्सल और हैं जिन्होंने सरेंडर किया था। महाराष्ट्र जो है उसने स्टैंडर्ड 11 का सिलेबस भी MHCET में इंक्लूड कर दिया है और अब इससे जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अपसेट है। महाराष्ट्र में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम MHCET, उसमें पहले जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें अब से 11th क्लास का सिलेबस भी आएगा, पहले इसमें सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस आता था, तो बच्चों के लिए इसमें काम बढ़ गया है। और इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि 20% क्वेश्चन ये अब क्लास 11 सिलेबस से पूछे जाएंगे और 80% पूछे जाएंगे क्लास 12 से। पहले इसके अंदर सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस होता था, 100% क्वेश्चन क्लास 12 के सिलेबस से आते थे, तो बच्चों का काम बढ़ गया, उन्हें क्लास 11 का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जो बच्चे हैं वो काफी नाराज हैं। महाराष्ट्र की जो सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, जिसका नाम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओन PSU शिवशाही पूर्णवासन प्रकल्प। मैं रिपीट करता हूं, महाराष्ट्र सरकार की एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है जिसका नाम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओन्ड PSU शिवशाही पूर्ण विकास प्रकल्प, जिसको बोलते हैं SPPL, शिवशाही पूर्ण वसन प्रकल्प। ये महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है, इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। इसके लिए जो भी फाइनेंसिंग होगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा महाराष्ट्र के लिए। ये जो स्कीम है इसमें महाराष्ट्र की सरकार स्लम रिहेबिलिटेशन करेगी, यानी जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं उनमें प्रॉपर घर बना के उनको देगी। सो फॉर एग्जाम्पल, जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, धारावी जो है ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है महाराष्ट्र के अंदर, इसमें भी ये स्कीम लागू की जाएगी और यहाँ पे जो धारावी में जो लोग रहते हैं स्लम्स में, उसको बड़ा बना के, उसको अच्छा घर बना के उनको दिए जाएंगे। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है, SBI हमारा लोन स्कीम, उसके तहत ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देगी महाराष्ट्र की सरकार को।
अब जो महाराष्ट्र की सरकार को ये जो लोन मिलेगा हमारा घर स्कीम के तहत, इसमें सिर्फ 8.35% आपको जो इंटरेस्ट है वो चुकाना होगा, और इसमें 30 लाख रुपए तक शुरू के 2 साल आप इसमें सिर्फ 8.35% लोन जो इंटरेस्ट है वो चुकाओगे लोन के ऊपर, 30 लाख तक के लोन के ऊपर फॉर 2 ईयर्स। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी अनाउंस करा है कि वो 20 लाख टेनमेंट बनाएगी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत से। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में केंद्र सरकार का टारगेट ये है कि हमें 6 करोड़ घर बनाने हैं, 4 करोड़ रूरल एरिया में, 2 करोड़ अर्बन एरिया में। इनमें महाराष्ट्र की सरकार 20 लाख घर बनाना चाहती है 2000 करोड़ रुपए की लागत से 2022 तक। ये है महाराष्ट्र सरकार का टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने नागपुर को विजिट किया। डॉक्टर अम्बेडकर का जो 126वां बर्थ एनिवर्सरी था, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भीम ऐप। ये एक पैसों के हस्तांतरण का ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप इससे अपने सारे मोबाइल बिल वगैरह पे कर सकते हैं, जनरल पेमेंट्स कर सकते हैं। सो जिसे बोलते हैं दीक्षा भूमि, वहाँ उन्होंने विजिट किया और डॉक्टर अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि दी। दीक्षा भूमि क्या है? दीक्षा भूमि एक पवित्र जगह है, सैक्रेड प्लेस है, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इसका संबंध है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर अपने फॉलोअर्स के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, यानी डॉक्टर अंबेडकर एडॉप्टेड बुद्धिज्म ऑन अक्टूबर 14, 1956 एट अ प्लेस कॉल्ड दीक्षा भूमि। सो ऑन 14th ऑफ अप्रैल 2017 प्रधानमंत्री इनॉग्रेटेड सेवरल यूनिट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट अक्रॉस महाराष्ट्र, जिनमें आपको मुख्य याद रखने हैं, ये बड़े बड़े प्लांट हैं, ये उसका उद्घाटन करा है। और इनमें 3 है सुपर क्रिटिकल यूनिट, 660 मेगावाट × 3, ये है कोराड़ी में। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्लांट, इट इज 1980 मेगावाट कैपेसिटी, 660 × 3। सो दिस इज एट कोराड़ी, दिस इज इनोग्रेटेड, इसका उद्घाटन करा है, इसका विमोचन करा है। और 2 यूनिट हैं चंद्रपुर में, दिस आर 1000 मेगावाट, वन यू नो नॉट वन बट टू, 500 × 2, दैट इज टोटल 1000 मेगावाट। नाउ रिमेंबर 1000 मेगावाट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 गीगावाट। एंड 250 मेगावाट वन प्लांट इज इनोग्रेटेड एट पार्ली इन महाराष्ट्र। Now let me tell you about some renewable energy target also. These are not renewable energy plant, these are normal plant. But the renewable energy target for our central government is that by 2022, we will generate 175,000 megawatt or 175 gigawatt renewable energy, out of which 100 gigawatt or 1 lakh megawatt will be solar energy. Our Minister for Power and Renewable Energy in India is R.K. Singh. He is a Lok Sabha MP from Arya in Bihar. Now, Pradhan Mantri Modi also launched Bheem app. This I was telling you that Bheem app is launched, and this was launched from Mankapur Indoor Stadium in Nagpur. Nagpur MP is Nitin Gadkari, and it's famous for its oranges in Maharashtra. And Bheem Aadhaar platform has been developed by National Payments Corporation of India in association with Unified Payment Interface. So, if you are a citizen of India, you don't have a smartphone, no problem. You don't have internet, credit card, debit card, no problem. You can still pay through the Bheem Aadhaar platform by using your biometric data like thumb impression and biometric reader. You know, your thumb impression will be taken by the biometric reader on this merchant app and you can simply pay. Now, another thing, to encourage cashless transaction through the Bheem platform, Modi announced 2 incentive schemes. One was the referral bonus for consumer. So, existing user of Bheem app will get rupees 10 cash bonus per successful referral. So, for example, if you refer Bheem app to your friend, you refer 50 friends, you will get 500 rupees, 10 rupees per friend. And the friends also, they will get 10 rupees because they kind of obeyed your referral and they installed the app. And there is a cashback also for merchant. So the merchant will get cashback for every transaction that is executed through the Bheem Aadhaar platform, some cashback. Now, Pradhan Mantri also laid down the foundation stone for IIM Nagpur. Indian Institute of Management will be in Nagpur, and new AIIMS, All India Institute of Medical Science also, and IIT also, IIIT, that is Indian Institute of Information Technology, will also be set up in Nagpur. This is very important. New IIM at Nagpur, new AIIMS at Nagpur, and new IIIT also at Nagpur. And also, the 100th and final Digidhan Mela was also celebrated at Nagpur. Digidhan Mela. Now, Maharashtra government, it has decided something to protect mangrove tree. Now, what are mangrove forest? So let me give you an example. See, when the river meets the ocean, right? So let's say this is the point at which river meets the ocean. Now, river has what? River has clean water. By clean, I mean fresh water, right? But the
ocean or the sea, it has salty water, which is called saline water. So there is a difference in the salt concentration in the river and the ocean. So the area where they meet, there is a mixing of the water, right? That area we call estuary. Okay, estuary. Now sometimes what may happen is that this is the river, it may spread out and it may meet the ocean. That then it is called delta. But in estuary, the river does not spread, right? So Maharashtra is on the western coast of India, right? So Maharashtra has estuaries and not deltas. Remember that, okay? Only the eastern flowing rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, they form delta. Whereas Narmada and Tapi, they form estuaries. Remember this. And why is that? Because Narmada and Tapi, they flow between the hills, you know? They flow between the hills. There is no place for them to spread. That is one of the main reasons why they form estuaries and not delta. So they flow in the rift valley. The area between two mountains is called a rift valley. That is where Narmada and Tapi flow. Narmada, it takes its origin from Amarkantak in Madhya Pradesh. Then it goes to Maharashtra. And then finally it goes to Gujarat in the place called Bharuch in Gujarat. So Maharashtra has a lot of mangrove tree. Now, so I was telling you something, that river, when it meets the ocean, that area, there is a intermediate water, neither saline nor fresh. In that area, mostly you will find the mangrove forest. Now, mangrove forest, they have very deep roots. And these are salt resistant plant. That is, they are halophytes. They are not affected by salt. Whereas if you put a normal plant into the salt, it will die. But mangrove forest, they don't die. And they have very deep roots. Just like desert plant. Desert plants also have very deep root to compensate for the lack of moisture in the soil. So, Maharashtra mein 15,000 hectare jameen pe mangrove ke ped hai. Aur bhot teji se khatam ho rahe hai. Ye aapko yaad rakhna hai. और आप ये जानते हैं कि जो मैंग्रोव के पेड़ हैं वो सिर्फ तट रेखा यानी कोस्ट लाइन के ऊपर उगते हैं जहां पे नदी समुद्र से मिलती है. तो महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने अब डिसाइड करा है, एक नई पॉलिसी लेके आई है मैंग्रोव के जो पेड़ है उन्हें बचाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट जमीन के ऊपर. इन्होंने मैंग्रोव को मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, महाराष्ट्र की सरकार ने स्थापित करी है मैंग्रोव को मैनेजमेंट कमेटी. ये कमेटी क्या करेंगी, क्या काम करेंगी, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगी जिससे हम मैंग्रोव को बचा सकते हैं, मैंग्रोव को कंजर्व कर सकते हैं, मैंग्रोव्स का संरक्षण कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रायगढ़ की बात करते हैं, महाराष्ट्र में प्लेस है रायगढ़. और महाराष्ट्र के जो रायगढ़ है यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है रायगढ़ के अंदर. तो यहाँ पे 25 गाँव इस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. सिंधु दुर्ग में 12 गांव, रत्नागिरी में 10, पलघार में 9 और थाने में 4. इसके अलावा सरकार ने 15 करोड़ रुपए इस पे सरकार खर्च करेगी और ये जो विलेजेस हैं इनके अंदर जो मैंग्रोव ट्री है वो लगाई जाएंगे और कमेटी बनाई जाएंगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा सिर्फ मैंग्रोव के पेड़ों को बचाने के लिए ही नहीं, केकड़ा यानी क्रैप, ऑयस्टर, प्रॉन फार्मिंग और फिशरिंग रिलेटेड एक्टिविटी और जो मधुमक्खी पालन यानी एपिकल्चर, वो भी इन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है. अब इसमें खर्चा कैसे कैसे होगा, 90% जो खर्चा है वो महाराष्ट्र की सरकार करेगी और 90% ऑफ द एक्सपेंस जो है इनकर्ड फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटी और जो बाकी है वो कमेटीज करेगी. यानी 90% जो करेगी स्टेट गवर्नमेंट, 10% करेगी कमेटीज और द फंडिंग विल बी 75% इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट. जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, मैं रिपीट करता हूँ, देखिए प्रोजेक्ट दो तरह के हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप. ग्रुप वालों में 90% महाराष्ट्र की सरकार खर्च करेगी, 10% कमेटी. इंडिविजुअल वालों में 25% कमेटी करेगी, 75% महाराष्ट्र की सरकार करेगी. इसके अलावा महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से, जो फिशरी समुद्र जो विभाग है, मछली पालन विभाग है, उससे ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करेगी, उन्हें ट्रेन करेगी और एजुकेट करेगी और फिर ये जो विलेजेस हैं उनके लोगों को एजुकेट करेंगे. तो आपको याद रखना है, एक बार जब ये ग्रेजुएट एक उसको एजुकेट कर दिया गया, ट्रेन कर दिया गया, उसका कौशल विकास कर दिया गया, उसको काम सिखा दिया गया, उसके बाद ये 2 से 3 गांव को ये उनका इंचार्ज बना दिया जाएगा. अब कानून क्या है, देखिए कानून ये है कि आप कोई भी अगर मैंग्रोव एरिया है उसके 50 मीटर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट अक्रॉस द स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन विद इन 50 मीटर ऑफ मैंग्रोव आर बैंड. आप किसी मैंग्रोव फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, याद रखना है ये आपको. तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था 2005 में और उसके बाद 2014 में वन शक्ति नाम का एनजीओ है, उन्होंने दोबारा पीआईएल फाइल किया कि वेटलैंड जो हमारे हैं जो डैमेज होते जा रहे हैं तो हमें उस पर काम करना है. और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अगर आप इस एक्ट का उल्लंघन करते हो तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है. सो ये था पार्ट 3 और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही डिटेल में कवर किए थे मैंने करंट अफेयर. पार्ट 1, 2 और 3 यानी 3 पार्ट आ चुके हैं अब.
महाराष्ट्र के अगर आप एमपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी दूसरा, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक पार्ट बचा है, पार्ट फोर। पार्ट फोर मैं परसों तक कोशिश करूंगा, आप चाहते हैं मैं जल्दी ले आऊं तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आप अगर मराठी में भी और वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत जरूरी रहता है हमारे लिए, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, बहुत आप प्रैंक्स और ये सब चीज़ें शेयर करते रहते हैं, म्यूजिक वीडियो वगैरह, एजुकेशन चीज़ें भी शेयर करिए और हमारे चैनल को प्रोत्साहन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।